हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस के प्रॉब्लम पे। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन लिमिट का है, ठीक है, और ये जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में, मतलब जैसे यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा इतना पूछा है कि इफ़ लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स के पावर एन माइनस एन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 820, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बताना है, ठीक है, एन की क्या बताना है, एन की वैल्यू बताना है, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, अगर लिमिट का प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है यार, इसको लिमिट की तरह हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जो लिमिट की प्रॉब्लम है तो लिमिट की तरह सॉल्व करना, तो लिमिट में जो फॉर्म होती हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, तो सबसे पहले आपका तो पर्पज़ वही है ना कि आप जो भी लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आप पुटअप करिए, वो वैल्यू क्या करिए, पुटअप करिए। और वो वैल्यू पुटअप करने के बाद, वो वैल्यू पुटअप करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे वो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपने क्वेश्चन को कॉपी किया और वही सारी चीज़ें चेक करने की कोशिश की। तो आपने कहा सर, अगर मैं एक्स की वैल्यू वन रखता हूँ तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, मतलब सबकी जगह अगर वन 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 रखोगे तो ये एन, यहाँ पावर एन है, तो मतलब वन को एन बार ऐड करोगे तो एन आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एडिशन एन आ गया। फिर माइनस एन है, मतलब न्यूमरेटर में जीरो, जो ये यहाँ पे है न्यूमरेटर में जीरो बाय जीरो फॉर्म, तो कुल मिलाकर के एलएचएस में जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने लोगों ने क्या किया, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है जो लिमिट की प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देता है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल ऐसा रूल है जो लिमिट की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर देता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करना होता है एंड डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करना होता है। ये रूल जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में अप्लीकेबल है। ये रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को आप अलग डिफ्रेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग करो। तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, वन, एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स, एक्स क्यूब क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स की पावर एन। बेटा यहाँ पे एक्स की पावर एन, पावर पहले आएगा, पावर पहले आ गया, पावर में से एक कम हो गया, एन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। अपॉन में क्या आएगा, देखिए अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, दिस इज द एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, सिंपल सा वन बच्चा, क्योंकि यहाँ पे वन है, वन का जीरो हो जाएगा। आर एच एस में क्या है, 820, ठीक है। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने वन स्टेप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से मेरा फॉर्म रिड्यूस हो चुका है, तो ये लिमिट की डिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, वन प्लस का टू प्लस का थ्री प्लस का डॉट 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 प्लस का एन, ओके, इज इक्वल टू 820, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता होगा कि ये ए पी का समेशन है, वन से लेके एन तक जोड़ो तो क्या जाता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन एन प्लस वन अपॉन क्या आता है, टू। एक्स लेकर के एन नेचुरल नंबर तक ऐड करो तो एन एन प्लस वन अपॉन टू के बराबर आता है, ठीक है, ए पी के कॉन्सेप्ट से, ओके, ठीक है। तो इसको सिग्मा एन भी कहते हैं, सिग्मा एन की वैल्यू क्या होती है, एन एन प्लस वन अपॉन टू। इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या जाएगा, इम्प्लाइज दैट एन स्क्वायर प्लस का एन, यहाँ पर क्या जाएगा, टू से मल्टीप्लाई किया कितना है, टू जीरो जै जीरो, टू फोर, टू टू जै फोर, टू एट जै सिक्सटीन, सोलह चालीस आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो एन स्क्वायर माइनस प्लस का एन और माइनस का वन सिक्स फोर जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। आपको बस यहाँ पे इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी ये बताना है, एन की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो आप इसका फैक्टर करोगे, ठीक है, अगर ऑप्शन दिया होता तो हम लोग बहुत इजीली कर सकते थे, ओके। तो आप इसको फैक्टर करने के लिए क्या करोगे, 1640 का एलसीएम निकालोगे बहुत ही फास्ट, टू टू एट जै कितना होता है, टू एट जै सिक्सटीन, और टू टू जै फोर 820 आ गया। फिर देखो टू से कैंसिल करोगे, टू 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 फोर जै एट, टू वन जै टू, टू जीरो जै जीरो, फिर देखो टू आया, टू टू जै फोर और टू फाइव जै टेन, 205 आ गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ से क्या आएगा, टू फाइव जा टू वन जा जीरो, टू जीरो जा जीरो एंड
यहाँ से टू से नहीं कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा बेटा, फाइव से कैंसिल होगा, ठीक है। जैसे ही पाँच से कैंसिल करोगे तो पाँच से कैंसिल तो हो जाएगा, तो क्या आएगा, पाँच चौके बीस, पाँच एक्कम पे पाँच, ठीक है। पाँच चौके क्या होगा, बीस, फाइव वनजा फाइव, तो कुल मिलाकर के देखो इतना मिलने के बाद क्या आ रहा है, चालीस, ये इकतालीस, तो चालीस इंटू क्या आ गया, इकतालीस। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, हाँ एन बचना चाहिए, तो प्लस का 41 और माइनस का 40, तो कुल मिलाकर के इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा, इसका फैक्टर आएगा एन माइनस का 40 एंड एन प्लस का 41। क्वाड्रेटिक का फैक्टर कर लेंगे तो एन इक्वल टू कितना आएगा, 40, एन 40 आ जाएगा। तो यहाँ से आपसे एन की वैल्यू ही पूछ रहा था कि एन क्या होगा, तो ये एन इक्वल टू क्या जाएगा, 40। अगर ऑप्शन दिया होता तो गो थ्रू ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग जा करके वैल्यू को पुटअप कर सकते थे, फाइनल हमारा आंसर आ जाता, ठीक है, ओके। तो कुछ चीज़ें हैं कि जैसे हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन दिया होता तो, ठीक है। तो ये 2020 में आया हुआ था क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक्स।